कांड दर्ज किया गया, व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है। असामाजिक तत्वों की हम लोग गिरफ्तारी आगे भी करेंगे। मोटी घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको बताया, छपरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, स्थिति शांतिपूर्ण है और बल और बाकी प्रतिनियुक्ति वहाँ पर की गई है, तो जिला प्रशासन वहाँ बैठकर इसका निर्णय लेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि अब इस बैन की आवश्यकता नहीं है, आदेश पारित करेंगे। और बिहार के बेगूसराय, औरंगाबाद के बाद छपरा में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद भारी तनाव बनी स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इसे देखते हुए एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। सदर अनुमंडल इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शुक्रवार की सुबह करीब 4:30 बजे प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। छत के ऊपर से दो पत्थर चलाए गए, जिसके बाद दोनों से लोग भिड़ गए। इस घटना में 6 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दो गुटों के बीच तनाव को लेकर पुलिस कैंप कर रही है। DM SP खुद इलाके का जिम्मा उठाए हुए हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इन 10ों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकाला गया था। एक धार्मिक स्थल के पास गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर कहा सुनी होने लगी। देखते ही देखते पत्थरबाजी में ये कहा सुनी तब्दील हो गई। आरोप ये भी है कि जुलूस के साथ चल रही पुलिस पीछे हट गई थी। दोनों की ओर से खूब बवाल हुआ, पत्थर चलाए गए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि पहले से इसकी तैयारी की गई थी और जानबूझकर ऐसा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही भगवान बाजार थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं DM संतोष कुमार, SP और सदर SDO भी मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों को हटाया, जिसके बाद पुलिस की देखरेख में प्रतिमा विसर्जन जुलूस को आगे ले जाया गया और प्रशासन ने अपनी देखरेख में विसर्जन करवाया। वहीं भगवान बाजार में फिलहाल शांति है। SP गौरव मंगला ने बताया कि हालात पर नियंत्रण कर लिया गया है, लोगों को शांत भी करवाया गया है। वहीं मजिस्ट्रेट की देखरेख में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। स्थिति अभी सामान्य है, पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है ताकि ये शांति बनी रहे, किसी भी तरह का उपद्रव ना फैले। वहीं उपद्रवी तत्वों को पुलिस की नज़र में रखा गया है, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं ली गई थी, मामले में FIR भी दर्ज कराई गई है। मेरा रिपोर्ट PR लाइव पटना। मोटी घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको बताया, छपरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, स्थिति शांतिपूर्ण है और बल और बाकी प्रतिनियुक्ति वहां पर की गई है। कांड दर्ज किया गया, व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है। असामाजिक तत्वों की हम लोग गिरफ्तारी आगे भी करेंगे। CCTV फुटेज और लोगों के जो बयान है उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं, एहतियातन कोई भी कार्रवाई की गई है तो जिला प्रशासन, इंटरनेट बैन हो या कोई और भी एहतियातन अगर आदेश वहाँ पर दिया गया तो जिला प्रशासन वहाँ बैठकर इसका निर्णय लेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि अब इस बैन की आवश्यकता नहीं है, आदेश पारित करेंगे और उस हिसाब से आगे की कार्रवाई।